नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी हेल्पलाइन बजट स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं अपर्णा रावत। मोदी सरकार का बजट कुछ दिन में आने वाला है। इस बजट से हर सेक्टर को उम्मीद है। अपनी नई सरकार से नई पॉलिसी और नई राहत की चाहत रियल एस्टेट बाजार को भी है। रियल एस्टेट वो बाजार जहां लोगों के सपने हकीकत बनते हैं, लेकिन रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के सपने क्या मोदी पूरे कर पाएंगे? प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की मदद के लिए हम लेकर आए हैं प्रॉपर्टी बाजार के दिग्गजों से लेकर आम खरीदारों की राय, जिससे पता चलता है कि ये बाजार बजट से किस तरह की उम्मीदें लगाए हुए हैं। तो चलिए प्रॉपर्टी हेल्पलाइन बजट स्पेशल की शुरुआत करते हैं। घर, दफ्तर, दुकान या पूरा का पूरा शहर वीराने को आशियाने में बदलने वाले सपनों के सौदागर क्या चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से? क्या उम्मीद इस बार लगाई है प्रॉपर्टी बाजार ने, ये बताएंगे आपको। लेकिन पहले जरा ये देखिए कि बाजार कैसे कम वक्त में करोड़ों का साम्राज्य बन गया। शहर की भीड़ में जब ढूंढने निकला अपना घर, ऊंची ऊंची इमारतों में चाहा मैंने अपना घर, एक एक दिन का जोड़कर बनाया मैंने अपना घर। सड़कों के किनारों से सहूलियत के आशियानों तक पहुंचाने वाली रियल एस्टेट की नजर अब बजट पर लगी है। नई सरकार रियल एस्टेट के लिए राहत लेकर आएगी या आफत, ये कुछ ही दिन में साफ हो जाएगा। बजट से क्या उम्मीद लगाए हुए है रियल एस्टेट, ये जानने से पहले जानिए इस बाजार की हकीकत। दिल्ली में रियल एस्टेट का बाजार हमेशा से गर्म रहा है। दूसरे राज्यों से आकर यहां बसे लोग अपना घर बनाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। पेट काटकर ही सही, जमीन का एक टुकड़ा अपने नाम करने की कोशिश में सालों तक कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं लोग। दिल्ली में जब आशियाने का सपना पहुंच से बाहर हो गया तो लोगों ने NCR की तरफ रुख किया। ये प्रॉपर्टी बाजार जो है, इसका जो वाकई जो बूम देखने को मिला, ये करीब करीब 2005-06 के बाद का ये घटना है, जो एकदम से अपार्टमेंट कल्चर बहुत ज़बरदस्त रूप से आ गया। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि NCR या दिल्ली जब कहिए, पूरे इंडिया से लोग यहाँ आते हैं और सबको ये ख्वाहिश होती है कि कम से कम इसके आसपास मेरा एक घर हो जाए। तो ये एक सब लोग ये सपना संजोए रखता है। बड़े बड़े बिल्डर दिल्ली के बाहर किसानों की जमीन खरीदकर लोगों को सपने दिखाने लगे। हाई राइज बिल्डिंग और हाईटेक टाउनशिप का जाल गुड़गांव फरीदाबाद से होता हुआ नोएडा तक जा पहुंचा। सस्ती जमीन पर महंगे प्रोजेक्ट शुरू हुए और शुरू हुआ रियल एस्टेट का गोल्डन पीरियड। बिल्डर अब बिल्डर नहीं, डेवलपर बन गए। एक एक कर कई सौ घरों के शहर बस गए। नहीं, ये बाजार तो अरबों में है। मतलब मुझे तो जो उम्मीद नज़र आती है, बाजार का एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना तो मुश्किल है, क्योंकि हर रोज़ एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है और इसकी जो सीमाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। पहले तो NCR ही दिखता था, अब तो NCR से भी आगे तक ये बाजार बढ़ता जा रहा है। यूपी में आप ले तो पिलखुआ तक ये मार्केट बढ़ गया है और अपार्टमेंट बनते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से गुड़गांव में भी आगे सोहना तक ये बन गया है। तो मार्केट तो अपार, इसकी तो कोई कैलकुलेशन करना भी आज के डेट में मुश्किल काम होएगा। घर अब मकान में नहीं, फ्लैट में बसने लगा। पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट ने इस रफ्तार से तरक्की की कि जमीन सोना बन गई। जिसके पास अपनी जमीन है वो तो रातों रात करोड़पति हो गया। लग्जरी होम और फुली फर्निश्ड फ्लैट का जाल NCR के बड़े बड़े प्रोजेक्ट तक ग्राहकों को खींच लाया।
सुनसान मायूस पड़ी दूर दराज की जमीनों को ईंट और पत्थरों की इमारतों ने गुलजार कर दिया। एक वक्त जहां दूर दूर तक लोग दिखते नहीं थे, वो गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा के इलाके अब लोगों के आशियाने बन गए हैं। जैसे जैसे एनसीआर का दायरा बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी का बाजार भी बढ़ता जा रहा है। पहले जो बिल्डर बड़े बड़े खरीदारों को टारगेट करते थे, वो अब छोटे घर बनाकर मिडिल क्लास को लुभा रहे हैं। ये बाजार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुलंदियां हर दिन नई चुनौतियां भी पेश कर रही हैं, और इन्हीं चुनौतियों को पूरा करने के लिए रियल एस्टेट को सरकार से मदद की दरकार है। बजट में रियल एस्टेट के लिए क्या होगा, इस पर हर किसी की नजर है। प्रॉपर्टी डेस्क, टोटल न्यूज। तो जिस तरह सफर में आगे बढ़ते हैं तो कई तरह के मोड़ आते हैं, ठीक वैसे ही रियल एस्टेट बाजार फलता फूलता गया, लेकिन परेशानियां भी नई नई अलग अलग तरह की सामने आती चली गई। रियल एस्टेट बाजार की सबसे बड़ी परेशानी है कैश फ्लो। अगर पैसा इस बाजार में आता रहेगा तो प्रोजेक्ट लटकेंगे नहीं, और उम्मीद है कि धोखा और फर्जीवाड़ा कम होगा। देश में सत्ता परिवर्तन के बाद अब रियल एस्टेट सेक्टर भी सरकार से ढेरों उम्मीदें लगाए हुए हैं। अब रियल एस्टेट सेक्टर ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के सामने अपनी मांगों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार कर रखी है। रियल एस्टेट की रियलिटी किसी से छिपी नहीं थी। एक वक्त था जब प्रॉपर्टी बाजार में बूम था, लेकिन पिछले कई सालों से रियल एस्टेट सेक्टर की हालत काफी खस्ता हुई है। नतीजतन कई प्रोजेक्ट शुरू भी हुए पर नया खरीदार मिलना मुश्किल हो गया, तो कई प्रोजेक्ट फाइल में ही अटक गए। रियल एस्टेट के जानकारों का कहना है कि रियल एस्टेट में फंडिंग का मुद्दा सबसे अहम है, लिहाजा इस सेक्टर में FDI लाने पर जोर देना होगा। रियल एस्टेट का गुजरात मॉडल काफी हिट रहा है और अब देश भर में इस मॉडल को अमल में लाना चाहिए। दरअसल गुजरात में लाल फीता शाही नहीं है और गुजरात में अप्रूवल प्रोसेस तेज है। वी आर वेरी होपफुल विद द न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड द कमिटमेंट्स जो अभी इन्होंने करी हैं, जो इन्होंने अभी तक वादे किए हैं। जिस तरह से एक एक बाजार का, एक मार्केट का जो अभी तक एक्सेप्टेंस और एक एक मार्केट का जो एक फीलर या फीडबैक अभी तक रहा है, वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी होपफुल कि बहुत इम्प्रूवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक सर्विस टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है, लोकल सेल्स टैक्स होता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं टैक्सेस के अंदर ही कि हमारे लिए हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को, अब सपोज हमें दिल्ली से कोई कुछ परचेज करना है, जब आपको पहले वेबिन लेना पड़ेगा यहाँ पे डिपार्टमेंट से, उनको देना पड़ेगा, फिर वहाँ से माल आएगा, तो ये काम को इतना कॉम्प्लेक्स कर देता है। सर्विसेज के लिए अलग टैक्स है, गुड्स के लिए अलग टैक्स है। अगर एक सिंपल, एक स्टैंडर्ड सिंपल GST जो कि कितने समय से बात चल रही है, GST लाने के लिए पिछले 10 साल से गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही हैं। CST 4% किया, 3% किया, 2% किया, कितना 1% अगले साल होगा, फिर उससे अगले साल जीरो हो जाएगा, GST आएगा, GST नहीं आ रहा। GST आने से पहले 12.5% से वैट बढ़ा के 13.5% सब ने कर दिया कि भाई GST आएगा, तो पर GST आ नहीं रहा। तो वंस टैक्सेस सिस्टमैटिक हो जाएंगे, इनका जो हमें जो आज डॉक्यूमेंटेशन है वो कंफर्टेबल हो जाएगी। जानकारों की मांग है कि नई सरकार की ओर से प्रोजेक्ट की दिक्कतों को दूर किया जाना चाहिए। जानकारों का मानना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में रेगुलेटर होना अच्छी बात है, लेकिन रेगुलेटर को व्यापक होना होगा। रेगुलेटर के आने से FDI बढ़ेगा, पर रेगुलेटर को सही तरीके से लाना होगा। रेगुलेटर लाने की पहल के बाद रेगुलेटर लाइसेंस राज न लाया जाए। मौजूदा रूप में रेगुलेटर बिल सही नहीं है। रेगुलेटर बिल में कीमतें 30% बढ़ने की आशंका है। मौजूदा रेगुलेटर बिल एक तरफा है, सरकारी अधिकारियों को भी बिल के दायरे में लाने की जरूरत है। साथ ही रेगुलेटर बिल में सभी स्टेक होल्डर को बिल में लाने की जरूरत है और अप्रूवल एजेंसी को भी भागी बनाया जाए। देखिए, रियल एस्टेट की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं एंड
सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेशन अगर बाय बात करें तो रियल एस्टेट को एज एन इंडस्ट्री प्रमोट करना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पूरी इकोनॉमी की बात करें तो रियल एस्टेट एक बहुत मेजर फैक्टर है जो ग्रोथ का पूरी इकोनॉमी पे असर डालती है। रियल एस्टेट सेक्टर के जानकारों ने रेगुलेटर बिल का नाम बदलने की मांग की है। रियल एस्टेट रेगुलेटर को प्रमोशन ऑफ रियल एस्टेट कहा जाना चाहिए। जानकारों के मुताबिक बिल्डर को पारदर्शी बनाना जरूरी है और बिल्डर को अपने प्लान को वेबसाइट पर डालना भी चाहिए। एस्क्रो अकाउंट वाली बात सही नहीं है, इससे बिल्डरों को पैसों की परेशानी होगी। जानकारों का कहना है कि नई सरकार को इस तरह का बजट तैयार करना चाहिए जिससे सस्ते घर बनाने में मदद मिले, इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को होगा। रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स कम होना चाहिए, प्रोजेक्ट को मंजूरी की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना होगा, रीडेवलपमेंट को बढ़ावा देने के साथ रीडेवलपमेंट को सरल बनाना होगा। सरकार को बिल्डरों के लिए सोच बदलनी होगी और काम करने के लिए बेहतर माहौल बनाना होगा। हाउसिंग पर टैक्स बोझ कम होना चाहिए और होम लोन सस्ता किया जाना चाहिए। मोदी सरकार के आने से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी नई उम्मीदों की गुंजाइश बन गई है। रियल एस्टेट सेक्टर काफी समय से मंदी से जूझ रहा है और इसके रिवाइवल के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। प्रॉपर्टी डेस्क, टोटल न्यूज। तो बूम के बाद अब मंदी से गुजर रहा है रियल एस्टेट का बाजार, बहुत सारी उम्मीदें हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको दिखाएंगे। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।